हेलो दोस्तों, कैसे हो? स्वागत चूंगी। यह है रियलमी 11 प्रो 5G, जिसका 8GB 128GB वेरिएंट का दाम है 24,000। क्या 24,000 में ये रियलमी 11 प्रो 5G को खरीदना चाहिए? आज इस वीडियो में मैं इस रियलमी 11 प्रो 5G का अनबॉक्सिंग एंड फर्स्ट इंप्रेशन आप लोगों को देने जा रहा हूँ। चलिए आज का वीडियो शुरू कर लेते हैं। तो यह है रियलमी 11 प्रो 5G का बॉक्स। बॉक्स को ओपन करने के बाद सबसे पहले मिल जाता है एक बैक केस और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह है, और उसके बाद यह है हमारा मेन मोबाइल फ़ोन। सबसे पहले इसको निकाल लेते हैं और ये देख सकते हो आप लोग, ब्लैक कलर का है, कितना कूल लग रहा है। इसको साइड में रख देते हैं। और यह है सिम इंजेक्टर टूल, और ये है एक 80 वाट का एडाप्टर, और इसमें है एक चार्जिंग केबल। सबसे पहले शुरुआत करते हैं डिस्प्ले से। इसमें है 6.7 इंच फुल एचडी प्लस 10 बिट 120Hz रिफ्रेश रेट कार्प ओएलईडी डिस्प्ले। इसका स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 93.6%, जिस बात से इसका साइड में जो बेजल से बहुत ही कम है। इस मोबाइल फोन का सबसे खास फीचर जो है वो है डिस्प्ले। कार्प होने के वजह से जो भी कंटेंट कंज्यूम करोगे मजा ही आ जाएगा इस डिस्प्ले में। आप लोग सिर्फ देखिए कितना शानदार लग रहा है। इसका जो पीक ब्राइटनेस है 960 है, जिस वजह से ब्राइटनेस का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। यूट्यूब पे 60fps पे 4K HDR प्ले कर सकते हो। 120Hz डिस्प्ले होने के वजह से जो भी आप लोग कंटेंट कंज्यूम करोगे वो बहुत ही स्मूथ लगता है देखने में। क्वालिटी की बात करें, कलर की बात करें, कॉन्ट्रास्ट की बात करें, ओवरऑल सब कुछ बढ़िया है। डिस्प्ले की बात हो रहा है तो स्पीकर का भी बात कर लेते हैं। ये डुअल स्पीकर के साथ आता है, एक ऊपर की तरफ है और एक नीचे की तरफ है। बहुत ही क्लियर साउंड है और लाउडली है। अब बात कर लेते हैं इस मोबाइल फोन का कैमरा के बारे में। कैमरा डिजाइन देखकर ही आप लोगों को पता चल गया कि कैमरा इस मोबाइल फोन का कुछ अलग ही होगा। इसमें पीछे है 100 मेगापिक्सल का मेन कैमरा जो OIS के साथ आता है, और एक 2 मेगापिक्सल का कैमरा जो पोर्ट्रेट शॉट लेने के लिए यूज किया जाता है, और सामने की तरफ 16 मेगापिक्सल का कैमरा है। इस मोबाइल फोन को यूज करके मैंने कुछ फोटो खींचा है लो लाइट पे, धूप पे। आप लोग खुद ही देख सकते हो कैसा क्वालिटी है। एक चीज मैंने नोटिस किया, लो लाइट पे फोटो थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है, और रियलमी का मोबाइल फोन है, कलर थोड़ा बूस्ट होगा ही। इस पे सेम वैसा ही होता है। कैमरा में बहुत सारा ऑप्शन है, फिल्टर वगैरह यूज कर सकते हो जो और मोबाइल फोन में होता है, रियलमी का इसमें भी है। और 100 मेगापिक्सल के लिए अलग से एक मोड दिया गया है। और वीडियो की बात करें तो फुल एचडी 30fps 120fps 60fps 4K 30fps पे रिकॉर्ड कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऑब्वियसली OIS है तो स्टेबिलाइजेशन अच्छा है। ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हो, ये रियलमी 11 प्रो 5G का फ्रंट कैमरा से रिकॉर्ड हो रहा है। EIS इसमें देखने को मिलता है, तो EIS ऑन करने के बाद कितना स्टेबिलाइजेशन मिलता है आप लोग खुद ही जांच कर लेना। मैं चल रहा हूँ, आप लोग देख सकते हो कितना स्टेबल है वीडियो। और इसका जो ऑडियो है, ये रियलमी 11 प्रो 5G का जो इनबिल्ट माइक्रोफोन है उससे रिकॉर्ड हो रहा है। वीडियो में मैंने एक चीज़ नोटिस किया, थोड़ा नॉइज आ जाता है फ्रंट बैक कैमरा दोनों पे ही। मुझे लगता है अपडेट के बाद ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ये करना चाहिए रियलमी को। अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस के बारे में। इसमें जो प्रोसेसर है वो है मीडियाटेक डायमंडसिटी 7050, न्यू प्रोसेसर है, पावरफुल प्रोसेसर है। डे टू डे लाइफ में जो काम करे तो बहुत ही आसानी से ये कर लेगा। परफॉर्मेंस का बात हो ही गया तो चार्जर एंड बैटरी के बारे में बात कर लेते हैं। इसमें 5000mAh का बैटरी है और 67W का चार्जर सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स में 80W का चार्जर मिलता है। 30 से 40 मिनट के अंदर ये फुल चार्ज हो जाता है। 5000 बैटरी होने के वजह से इसका जो बैटरी बैकअप है ये अच्छा है। सिक्योरिटी की बात करें तो इसमें फेस अनलॉक और इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दोनों ही मिल जाता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट बहुत ही फास्ट है, आप लोग खुद ही देख सकते हो कितना क्विकली ओपन हो रहा है। और एक चीज मैंने भूल गया था, रियलमी का जो ये मोबाइल फोन है इसमें मालवेयर, ब्लॉटवेयर, जो भी है हॉट गेम, हॉट ऐप, वो सब कुछ भर भर के दिया गया है। आप लोग इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो, और अनइंस्टॉल अगर नहीं भी होगा तो आप लोग उधर अवार्ड फोन में जाकर इसको डिजेबल भी कर सकते हो। उसके ऊपर यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएगा, आप लोग उधर देख के इसको अनइंस्टॉल हटा सकते हो। ओके, अब बात कर लेते हैं ये रियलमी 11 प्रो 5G को खरीदना चाहे कि नहीं। ये फर्स्ट इंप्रेशन मेरा वीडियो है, इसमें मैं पूरा तरह से फुल रिव्यू नहीं किया। आप लोगों को मैं इस फर्स्ट इंप्रेशन से ये बता सकता हूँ कि ये जो मोबाइल फ़ोन है, ये मोबाइल फ़ोन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोबाइल फ़ोन है।
क्यों? क्योंकि इसमें जो डिस्प्ले है ये सबसे खास है, और एक मोबाइल फ़ोन का मुझे तो लग रहा है सबसे मेन जो चीज़ है वो है डिस्प्ले, क्योंकि डिस्प्ले से ही हम लोग मोबाइल फ़ोन को कंज्यूम करते हैं, मतलब मोबाइल फ़ोन में जो कंटेंट होता है गेम खेलने के टाइम, मूवी देखने के टाइम, और डिस्प्ले में ही आप लोग टाइम बिताते हैं। तो अगर डिस्प्ले अच्छा नहीं होगा तो एक मोबाइल फ़ोन पूरा तरह से बेकार मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से आप लोग ये मोबाइल फ़ोन ज़रूर खरीद सकते हो। आज इतना है, वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट्स में बता दीजिए रियलमी 11 प्रो 5G का कौन सा फीचर्स आप लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद है। आज इतना है, जय हिंद, वंदे मातरम।